त्यांनी कुठल्याही अफवांवरती विश्वास ठेवू नये. मुंबई सुरक्षित आहे. मुंबई सुरक्षित ठेवण्यासाठी मुंबई पोलीस रात्रंदिवस रक्ताचं पाणी करतात, मेहनत करतात. मैं वारी पसीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज. आपको बता दूं, पूरे देश में खबर आग की तरह फैलाई जा रही है बच्चों की किडनैपिंग को लेकर, बच्चों की चोरी को लेकर. आपके सोशल मीडिया पे आपको वीडियो सेंड किए जा रहे हैं, ऑडियो सेंड किए जा रहे हैं, तरह तरह के फोटो सेंड किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि वो वीडियो, वो ऑडियो और वो फोटो कब के हैं और कहाँ के हैं. आपको बता दें, ये अफवाहें पूरे देश में फैल रही है. जहाँ तक के मुंबई का सवाल है कि मुंबई में भी ऐसी अफवाहें बहुत जगह फैलाई गई है कि यहाँ से बच्चा चोरी हुआ है, वहाँ से बच्चा चोरी है. लेकिन जब मुंबई पुलिस ने बात की, जांच पड़ताल की, तो मुंबई पुलिस को कहीं से भी ऐसे सबूत नहीं मिले कि जहाँ से बच्चा चोरी हुआ है. कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई कि किसी का बच्चा चोरी हुआ है. इसी सिलसिले में बात करते हुए जब मुंबई कमिश्नर से पूछा गया, तो मुंबई कमिश्नर ने लोगों से क्या अपील की, आप खुद सुन लीजिए. नहीं, मी आपल्या माध्यमातून सर्व नागरिकांना, मुंबईकरांना हे सांगू इच्छितो की त्यांनी कुठल्याही अफवांवरती विश्वास ठेवू नये. मुंबई सुरक्षित आहे. मुंबई सुरक्षित ठेवण्यासाठी मुंबई पोलीस रात्रंदिवस रक्ताचं पाणी करतात, मेहनत करतात, कायम जागे राहतात, जेणेकरून आपण शांतपणे झोपावं. कृपा करून कुठल्याही खोट्या बातम्या, खोट्या अफवा पसरू नयेत, असं माझं संपूर्ण दलातर्फे आवाहन आहे. धन्यवाद. तो देखा आपने, मुंबई कमिश्नर ने खुद लोगों से अपील की है कि अफवाहों को ना फैलाए और अफवाह पे ध्यान ना दे, अपने बच्चों पे ध्यान रखे. और अगर किसी शख्स पे आपको शक है, संदेह है, तो उसे मारिए मत, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और उस शख्स को पुलिस के हवाले कीजिए. लेकिन और जो आपके पास सोशल मीडिया के जरिए वीडियो, ऑडियो और फोटो आ रही है, उसे आगे बिना पुष्टि किए सेंड ना करें. और अपने बच्चों पे खुद ध्यान दें. अगर वो स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल उनके छूटने से पहले ही पहुंच जाइए, और अगर घर से बाहर खेलते हैं तो उन पे ध्यान दीजिए ताकि वो घर से काफ़ी दूर ना जाए. और ऐसी और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आरिफ अजीत, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से.